नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्रेडी अड्डा में आपका स्वागत है आज तारीख है आपकी 10 दिसंबर 2021 की शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक एक करके बात करते हैं सभी की तो सी के जो है जो एग्जाम सेंटर है उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है तो यहाँ पर इस, किन स्टेट में से किस सिटी को जो है वो बनाया गया एग्जाम सेंटर उसकी पूरी लिस्ट दी गई है इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा वहां से आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको उत्तर प्रदेश जो है उसके कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर अवश्य जो है वो दिखा दूंगा राजस्थान तमिलनाडु इस टाइप से तेलंगाना यहाँ से उत्तर प्रदेश स्टार्ट है जिसमें इन सभी को सेंटर बनाया गया है आगरा अलीगढ़ बरेली बस्ती बिजनौर बिलासपुर फैजाबाद फिरोजाबाद गाजियाबाद गाजीपुर इसी प्रकार गोरखपुर झांसी कानपुर लखनऊ मथुरा मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्रयागराज सीतापुर वाराणसी अल्मोड़ा देहरादून हल्द्वानी, पौड़ी, गढ़वाल और रुड़की और रुद्रपुर यहाँ तक है केवल रुद्रपुर तक ये तो उत्तराखंड के हैं आपके केवल वाराणसी तक है यहाँ तक ये यह सभी जो है वो उत्तराखंड के हैं तो जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर बनाए गए हैं बहुत से ऐसे हैं जहाँ जिनको सेंटर नई सिटी को बनाया गया है उनका सेंटर उनके पास वाली जो सिटी है उनमें जाएगा जैसे कि आप देखते हैं डीएलएड में भी ये व्यवस्था होने लगी है कि जैसे वो अगर उन्नाव को सेंटर नहीं बनाया गया है तो उन्नाव वाले जो छात्र हैं उनका पेपर या तो लखनऊ में होता है या उधर साइड कानपुर में होता है तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं आज की सभी न्यूज की सबसे पहले न्यूज की डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के संदर्भ में काफी समय से कमेंट आ रहे थे कि उसका रिजल्ट कब से आएगा तो अब रिजल्ट में और हो सकती है देरी यहां पर बताया गया परीक्षा में मनमाना अंक दिए जाने की शिकायत पर सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बड़ा निर्णय लिया है वे मूल्यांकित की गई जो चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाएं है उसको मंगवाकर अवलोकित करा रहे हैं बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं जो है सत्तर से नब्बे तक अंक मिलने की शिकायत की गई है तो इसलिए पुनर्मूल्यांकन फिर से कॉपियां चेक होंगी और और ज्यादा समय आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा अगली उसे प्रवक्ता जी भर्ती की प्री परीक्षा में पंद्रह सफल जिसमें सोलह विषयों के सापेक्ष चौदह पदों पर भर्ती जो है वो होनी थी अगली न्यूज है जीबीपी में सुविधाओं को परखने के लिए तीन सदस्यीय समिति जो है उसका गठन जो है वो किया गया है बहजोई से जो है वो न्यूज है प्रारंभिक परीक्षा में पंद्रह हजार छियालीस अभ्यर्थी सफल पहली बार लिखित परीक्षा सोलह विषयों में प्रवक्ता जीआईसी के चौदह सौ तिहत्तर पदों पर भर्ती जो है वो होनी थी ऊपर भी हमने बताया इसको अगली आमरण अनशन पर बैठे दो छात्रों की हालत बिगड़ी यहां पर डी कार्यालय पर अनशन पर बैठे दर्जनों छात्र जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसके संदर्भ में बताया गया है अगली दिन से सीधी भर्ती का कट ऑफ जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश आयुष यानी कि होम्योपैथिक विभाग के तहत जो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद है उन पर भर्ती के लिए आयोजित साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ जो है वो जारी कर दिए हैं अगली से अभ्यर्थियों को फिर मिली जीत फिर से करें आवेदन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है उसने चार लाख अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी कोर्ट का दरवाजा कटखटाया अब अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका जो है वो दिया जाए है अगलियों से निकायों में मनमाने तरीके से भर्तियां नहीं होंगी यहां पर इन सभी जो पद हैं उन पर भर्तियां पदों के आधार पर होंगी और समूहगा की भर्तियां आयोग से होंगी ये सारी चीजें बताई गई है अगली वर्ष 2001 से पहले वाले ही संविदा गर्मी नियमित होंगे शासनादेश के संदर्भ में जारी किया गया है अगली उनसे परीक्षा में लानी होगी कोविड के दोनों टीके लगे होने की रिपोर्ट यहाँ पर हेड कांस्टेबल पी से सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और प्लाटून कमांडर पी के पद पर प्रोन्नति के लिए होने वाली जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों को कोविड के दोनों टीके लगे होने की रिपोर्ट लानी होगी देखिए यहाँ पर यूज इसका हो रहा है काफी लोग कमेंट में पहले जब स्टार्टिंग में इसी तरीके से सी की परीक्षा में भी बात हुई थी तो पूछ रहे थे क्या इसका यूज होगा तो कभी कभार इस टाइप के जो शारीरिक दक्षता परीक्षा या आगे आने वाली परीक्षा उसमें हो सकता है तो अपना जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट है उसको जरूर संभाल के रखेगा आगे लिखा है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गए तो उसे बहत्तर घंटे के अंदर कराई गई आर टी की रिपोर्ट लानी होगी चलिए एक ऑप्शन इन्होंने ये भी जो है वो दे दिया है यदि आपके पास वो नहीं है बाकी यहाँ पर जो सभी दौड़ है और सारी जो प्रवेश में प्रवेश पत्र जो है उस परीक्षा की तिथि समय केंद्र इन सभी चीजों के बारे में बताया गया अगली न्यूज है नौवी और के ऑनलाइन पंजीकरण में ना करे गलती सीबीएसई पंद्रह से तीस तक चलेगी पंजीकरण प्रक्रिया सेकंड लास्ट न्यूज है रेलवे के ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो तेईस फरवरी से जो है वो होगी रेलवे भर्ती बोर्ड के मुताबिक जो है परीक्षा तेईस फरवरी दो को जो है वो घोषित कर दी गई है उसी के बारे में बताया गया अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज देखते हैं इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि रेलवे ग्रुप डी चार दशमलव आठ पांच लाख परीक्षार्थियों को बड़ी राहत फॉर्म में त्रुटि तो के रिजेक्ट हो गए थे आवेदन गलती सुधारने का मौका पंद्रह से जो है वो दिया गया है यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बेलावश ऑन कर लीजिएगा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद